हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरकल ब्यूटी। और मैं हूँ नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास साथ बहुत सिंपल सी, बहुत स्मॉल सी जो है एक रेमेडी है जो कि मुझे बहुत सूट करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो उसके लिए हमें बहुत नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए रोज़ वाटर। देखिए, मेरा ख़त्म भी होने वाला है, शायद बस ये रेमेडी बनेगी, बाकी तो मेरा रोज़ वाटर ख़त्म होने वाला है। और चाहिए ग्लिसरिन हमको, और यहाँ हमें चाहिए माय ऑल टाइम फेवरेट विटामिन ई कैप्सूल। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, स्किन को ब्राइट करता है, ब्लैकनेस जो आ जाती है हमारे यहाँ पे फोरहेड में, ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे ऑल टाइम अपने पास रखिए, बहुत अच्छा यूज़ होता है। और नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स जो है वो हमें चाहिए सैफ्रन, केसर। देखिए, केसर हमें, और हमें चाहिए एक खाली बॉटल। मैं ये स्मॉल साइज़ का बॉटल ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे रोज़ वाटर की हमारे पास जो बॉटल है या फिर ग्लिसरिन का जो बॉटल है वो भी यूज़ ले सकते हैं। इस बॉटल को मैंने जो है ओपन कर लिया है। अब इसमें जो रोज़ वाटर है वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ये मैंने हाफ बॉटल रोज़ वाटर ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्लिसरिन ऐड करेंगे। मैं ग्लिसरिन ऐड कर दिया है इसमें। देखिए, मैंने इतना ही ग्लिसरिन इसमें ऐड करा है बिकॉज मेरा रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है अभी मेरे पास में बॉटल में, इस क्वांटिटी में। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं ये केसर जो है ऐड कर दूँगी। ये अप्रॉक्स 5 threads होंगे, 5 threads समथिंग होगा। ये मैंने इसमें देखिए डाल दिया, इसका कलर चेंज होने लग गया है। देखिए, इस तरीके से इसका जो है बिल्कुल ऊपर से कलर चेंज हो गया है। अब इसको पूरी बॉटल में हम इसका कलर चेंज होने देंगे। कैप एंड देन मिक्स। ये देखिए, इसका कलर जो है पूरा केसर का इसमें आ गया है। देखिए, अब इसमें हमें जो लास्ट ऐड करना है हमारा विटामिन ई का कैप्सूल। देन अगेन मैं इस पर कैप लगा दूंगी, को शेक कर देंगे। अब ये देखिए, केसर और ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मिक्स हो चुके हैं। अभी इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से 5 मिनट के लिए अप्रॉक्स छोड़ा है। यूज़ कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूँ। ओपन, और इसके ड्रॉप ले लीजिए आप इस तरीके से, और कॉटन से भी आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट फिंगर से ही इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से इसे अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ग्लिसरिन जो है गर्मियों में थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो आप ज़्यादा नहीं तो इसे आधा घंटा अपने फेस पे लगा के रखिए, और फिर वॉश करके आप नॉर्मल क्रीम या जेल जो यूज़ लेते हैं वो भी लगा सकते हैं। इससे आपके फेस का कलर है वो भी इम्प्रूव होगा, टेक्स्चर इम्प्रूव होगा, पिम्पल्स नहीं आएंगे, ब्लैकनेस नहीं होगी, सन से प्रॉब्लम हो जाती है, सन टैन हो जाता है हमारी स्किन पर, वो भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।